100 करोड़ लोग प्रधानमंत्री की मन की बात एक बार सुन चुके हैं, क्या आप उनमें से एक हैं? जी सर, मैं तो सुना नहीं हूँ सर। एक बार भी नहीं सुने? नहीं सर, मेरे पास बड़ा मोबाइल है ही नहीं, मैं कैसे सुनूंगा। मैं कितनी बार सुने? कई बार सुनते हैं हम तो, फेसबुक यूट्यूब पे भी सुनते रहते हैं, फोन पर। अभी तो देखा मैंने, सुना तो नहीं अभी उनका, जो मन की बात जो अभी जो चल रही है ना, जो वो अभी मैंने नहीं सुना। इतने नाम ऊंचा करने वाली बेटियां ही अगर देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, वो भी सर आम जनता के बारे में और साधारण बेटियों के बारे में सोचिए, आप क्या हाल होगा। जो लड़कियों का फायदा उठा वो आप लोग दिखा दीजिए, वो चुनाव से ज्यादा बड़ा है, चुनाव तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों और मन की बात सुनने वाले दर्शकों में, श्रोताओं में कोई संबंध हो सकता है? इस देश में वैसे कुछ भी हो सकता है। जंतर मंतर पर जो संघर्ष हो रहा है उसका संबंध एक प्रभावशाली सांसद के खिलाफ FIR दर्ज कराने से है, लेकिन IIM रोहतक का जो अध्ययन आया है मन की बात पर, उसका संबंध किस तरह से इस मामले में है हम वीडियो में आगे बताएंगे। इनके निदेशक की नियुक्ति अवैध बताई जा रही है, फिर भी अपने पद पर किस तरह से बने हुए हैं, इनका प्रभाव क्या है, ये बताएंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने इस मामले का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के संबंध में पेशेवर रेसलर्स के गंभीर आरोप हैं, शुक्रवार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का पहले ही आदेश है कि कॉग्निजिबल अपराध के मामले में FIR होनी चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। अब नोटिस का जवाब देखते हैं क्या आता है। 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। BJP के एक सांसद के खिलाफ FIR दर्ज कराना कितना मुश्किल लग रहा है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वृंदा करात उनके खिलाफ गोली मारो के नारे को लेकर FIR दर्ज कराने के लिए कई महीनों से मुकदमा लड़ रही हैं। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और वहां से नोटिस जारी किया गया है, FIR अभी भी नहीं हुई है। अगर आप लोग भारत की व्यवस्था से निराश हैं तो ऑस्ट्रेलिया से आ रही इस खबर से अपना उत्साह बढ़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं न्याय होते रहना चाहिए। तस्वीरों के इस कोलाज को आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। जो बंदा सभी फोटो में दिख रहा है उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया की अदालत से एक खबर है, यह खबर सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में छपी है। इस पर 5 कोरियाई महिलाओं को ड्रग देकर बलात्कार करने का आरोप साबित हुआ है। 43 साल के बालेश धनकर को अदालत ने सजा दी है। यह व्यक्ति ओवरसीज फ्रेंड ऑफ BJP का पूर्व में अध्यक्ष रह चुका है। यह संस्था BJP के लिए अलग अलग मुल्कों में काम करती है। इसके कार्यक्रमों में BJP के कई नेता और मंत्री तक की तस्वीर देखी जा सकती है, जिससे पता चलता है कि अतीत में बालेश धनकर कभी कितना प्रभावशाली रहा होगा। दूसरे देश में BJP का प्रचार करने वाली संस्था का प्रमुख चेहरा बनने के बाद भी बालेश धनकर यौन प्रताड़ना के मामले में दोषी पाया गया है। ऑफ BJP ने ट्वीट किया था कि बालेश 2018 में ही संस्था छोड़ चुका है और हम उसके कृत्य की निंदा करते हैं, उसे कानून का सामना करना होगा। अगर ऑफ BJP कहीं इसी से प्रेरित होकर भारत की महिला पहलवानों के पक्ष में ट्वीट कर दे कि ब्रिजभूषण सिंह को भी कानून का सामना करना होगा, तब क्या होगा। वैसे अध्ययन करना चाहिए कि धर्म और राष्ट्र की राजनीति का असर क्या बालेश जैसों के मन पर बिल्कुल नहीं होता है। क्या ये मन की बात नहीं सुना करता था, जिसके सर्वे में आया है कि 60% लोगों ने बताया है कि इसके सुनने से राष्ट्र के प्रति जज्बा पैदा होता है। मन की बात तो 2014 से चालू है। ऑस्ट्रेलिया में इंसाफ मिलता है तो भारत में भी मिलेगा। आपको लगेगा कि आज की कहानी कहां से कहां जा रही है, मगर धीरज के साथ देखेंगे तो सारी कहानी एक ही जगह पर पहुंच रही है। भारत में महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं। इसी कड़ी में IIM रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा का मामला देखिए, वे भी कम प्रभावशाली नहीं लगते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने ही कह दिया कि उनकी नियुक्ति अवैध प्रतीत होती है, जबकि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कमेटी ने की थी। अब धीरज शर्मा का संस्थान प्रधानमंत्री के मन की बात पर अध्ययन करवा रहा है
तो पहले इस मन की बात को सुन लेते हैं और फिर महिला पहलवानों की मन की बात को भी सुनेंगे कि उनकी बात को प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं। दैनिक भास्कर में लिखा है कि प्रसार भारती के निदेशक गौरव द्विवेदी ने IIM रोहतक से अध्ययन कराया है। इसका सैंपल 10,003 बताया गया है। इस सर्वे में पाया गया है कि 96% लोग मन की बात के बारे में जानते हैं, केवल 4% लोग नहीं जानते हैं। अखबार ने हेडलाइन बनाई कि 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार मन की बात का प्रसारण सुना है। 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होने जा रहा है। हमने भी कुछ लोगों से पूछ ही लिया कि क्या आपने मन की बात के बारे में सुन रखा है या कार्यक्रम कभी सुना भी है। क्या नाम है आपका? अमित चंद। अमित, क्या करते हैं आप? अभी आपने मन की बात सुनी है कि क्या होता है मन की बात? मन की बात हमको मालूम नहीं, आपसे कम है दुनिया में मालूम नहीं मन की बात क्या होती है। कभी किसी सुना हो? कभी नहीं सुना है मैंने। मन पहली बार सुनी मन की बात। मन की बात के बारे में मालूम नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम हरीश। मन की बात सुनी है? मन की बात सुनी है। अभी किसी को नहीं हो कि मन की बात में कौन कौन लोग होते हैं, क्या बातें होती हैं? मन की बात में तो बीजेपी की वाली बात होती है, मोदी जी अपनी मन की बात बताते हैं। और कौन लोग होते हैं? उनकी पार्टी के लोग होते हैं। कितनी बार सुनी है आपने? मैंने 4-5 बार सुना है। आखिरी बार कब सुनी? आखिरी बार एक महीना करीब हो गया। IIM रोहतक का कहना है कि 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार प्रधानमंत्री की मन की बात सुन चुके हैं। आप उनमें से एक हैं? आप प्रधानमंत्री की मन की बात वो प्रोग्राम आता है सुनते हैं? हाँ सुनते। कितनी बार सुने हैं? कई बार सुनते हैं। हम तो वो फेसबुक यूट्यूब पे भी सुनते रहते हैं, फोन पर। अच्छा, हाँ। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, काम भी अच्छे उनके, सब कुछ अच्छा है। सच सच बोल रहे हो या? नहीं नहीं, सच बोल रहे हैं हम। पक्का? पक्का। ओके। अगर ये सर्वे मन की बात को लेकर था तो फिर इस सवाल को डालने की क्या जरूरत थी कि लोग देश की प्रगति और सरकार की कार्यशैली को लेकर आशान्वित हैं या नहीं। सर्वे का नतीजा बता रहा है कि 73% लोग देश की प्रगति और सरकार की कार्यशैली से आशान्वित हैं। मतलब सर्वे ने यह भी पता लगा लिया कि 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान देने का जज्बा पैदा हुआ है। जज्बा पैदा हुआ है या नहीं, यह भी सर्वे से निकल कर आता है। अगर 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण का जज्बा पैदा हो गया है तो क्या इसमें IIM रोहतक के निदेशक भी शामिल है? क्या उनके भीतर भी जज्बा पैदा हो गया है कि हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति के बारे में अवैध कहा गया है सरकार की तरफ से, तो जज्बा दिखाते हुए पद ही छोड़ देते हैं? इस तरह का सर्वे कोई दूसरा निदेशक भी करा सकता था, लेकिन IIM के निदेशक और उनके संस्थान ने इसे सर्वे कराया और निदेशक साहब ने ही इसे प्रस्तुत किया। IIM के निदेशक हैं धीरज शर्मा। इनके बारे में सरकार ने ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कह दिया कि IIM के निदेशक पद पर बने रहने की योग्यता नहीं रखते हैं। 2021 में कोर्ट में सरकार ने धीरज शर्मा का पक्ष लिया था और कहा कि इनकी नियुक्ति में कोई खामी नहीं, तय नियमों के अनुसार नियुक्ति हुई है। फिर मार्च 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट से कह दिया कि धीरज शर्मा इस पद के लिए अयोग्य हैं और इनके खिलाफ प्रशासनिक, सिविल और आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को छिपाया और गलत पेश किया। IIM के निदेशक बनने के लिए BA में फर्स्ट डिवीजन जरूरी है, लेकिन धीरज शर्मा सेकंड डिवीजन में पास हैं। इनकी नियुक्ति किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति ने की है 2017 में। सोचिए उस लेवल पर यह सब गेम हो जाता है। बाद में बोर्ड ऑफ गवर्नर की संस्था बनाई जाती है, उसने तो अगले 5 साल के लिए इन्हें सेवा विस्तार दे दिया। जैसे ही बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इन्हें दोबारा नियुक्ति दी, धीरज शर्मा पंजाब हरियाणा कोर्ट चले गए कि सरकार उनकी नियुक्ति को चैलेंज नहीं कर सकती है। यह पिछले साल अप्रैल की बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ ही केस कर दिया। हमने यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से ली है। बहरहाल, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ही मानता है कि वे इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं, तो अभी तक इन्हें हटाया क्यों नहीं गया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? और उसी मंत्रालय ने इन्हें पहला कार्यकाल कैसे दिया?
मीडिया रिपोर्ट में है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इनसे बीए की डिग्री मांगी तो तीन तीन बार मना कर दिया, नहीं दिया मांगने पर। इस देश में सरकार प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाती है, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक ही अपनी डिग्री सरकार को ना दिखाए, क्या यह भी कोई बात नहीं? चल क्या रहा है इस देश में? देश की अदालतों को लेकर धीरज शर्मा का एक ट्वीट मिला है 2016 का, पढ़कर बताता हूं। अंग्रेजी में लिखते हैं कि वाकई हैरानी हुई कि इस देश में क्यों अदालतें फैसला कम देती हैं, भाषण ज्यादा सुनाती हैं, प्रवचन ना दें। इस ट्वीट में हैशटैग नोटबंदी लिखा है, डीमोनेटाइजेशन। प्रोफेसर धीरज शर्मा के बारे में शिक्षा मंत्रालय ने मार्च 2023 में जो हलफनामा दिया है उसे एक बार पढ़ लीजिए। जिनकी नियुक्ति के बारे में अवैध कहा है वही धीरज शर्मा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षात मौजूद हैं और बता रहे हैं कि मन की बात से लोगों के व्यवहार पर असर पड़ गया है। कायदे से शिक्षा मंत्रालय को अपना हलफनामा तो अब वापस ले लेना चाहिए। वैसे प्रोफेसर धीरज शर्मा ने सरकार के हलफनामे के खिलाफ याचिका दायर की है। मंत्रालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि बताइए, एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की छवि खराब करने, डिग्री छिपाने और पद का दुरुपयोग करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और यही धीरज शर्मा बाकायदा पीपीटी चार्ट के साथ मन की बात पर अपने संस्थान के अध्ययन का ब्यौरा प्रेस को पेश कर रहे थे। आप संदर्भ के लिए शर्मा की नियुक्ति से संबंधित तमाम मीडिया रिपोर्ट देख सकते हैं, इंटरनेट पर मौजूद हैं। इस मामले की ताज़ा स्थिति की जानकारी हमें नहीं है। प्रोफेसर धीरज शर्मा ने यह भी बताया कि मन की बात की प्रतिक्रिया में आई 5 लाख टिप्पणियों का अध्ययन किया गया सैंपल के तौर पर। इसी से संबंधित एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। 2020 में जब नीट जेईई की परीक्षा टालने की मांग हो रही थी तब मन की बात के एक एपिसोड पर बहुत सारे डिसलाइक आ गए, नेगेटिव कमेंट, करीब 10 लाख से ज्यादा डिसलाइक आ गई। यह सब मीडिया में ही रिपोर्ट हुआ है। मन की बात का एपिसोड बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होता है। हमने देखा कि वहां अभी कमेंट करने का ऑप्शन बंद है। प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर भी मन की बात को अपलोड किया जाता है। 26 मार्च के एपिसोड पर केवल 6 कमेंट आए हैं, 74,000 से कुछ अधिक व्यूज हैं। क्या IIM रोहतक ने इस तरह के कमेंट का भी अध्ययन किया होगा? करना चाहिए था। आजकल के डिजिटल मीडिया के जमाने में किसी कार्यक्रम को करोड़ों व्यूज का मिल जाना कोई अनोखी बात नहीं है। जिन्हें कोई नहीं जानता उनके कार्यक्रम को भी लाखों करोड़ों व्यूज मिलते हैं। अगर IIM रोहतक और प्रधानमंत्री को बुरा ना लगे तो हम यह भी बताना चाहते हैं कि भुवन बाम को YouTube पर 466 करोड़ व्यूज मिले हैं, आशीष चंचलानी को 436 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं, ध्रुव राठी के वीडियो को अभी तक 149 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं, तन्मय भट्ट को 128 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। हम नहीं जानते कि मन की बात के 23 करोड़ श्रोता हैं। इसके बारे में अध्ययन करने वालों ने कैसे पता लगा लिया? बस दिमाग इस बात को लेकर खटका है कि 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार सुना है, तो इन लोगों ने दोबारा क्यों नहीं सुना? यह देश ज्यादातर गरीबों का देश है, जिनके घर में टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, अखबार नहीं है। बहरहाल हमने कई लोगों से पूछना चाहा इस उम्मीद में कि क्या पता वे उन 100 करोड़ लोगों में से होंगे जिन्होंने एक बार मन की बात सुन ली होगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मन की बात को लेकर अखबारों में एक लेख लिखा है। इसमें बताया गया है कि 262 रेडियो स्टेशनों और 375 से अधिक निजी और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के साथ दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रसारित होता है। इसका प्रसारण भारत की 52 भाषाओं और बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में किया जाता है। 100 से अधिक प्राइवेट न्यूज चैनल इसका प्रसारण करते हैं। दूरदर्शन के 34 चैनलों से इसका प्रसारण होता है। इतने चैनलों से 8 साल से इतने माध्यमों द्वारा इसका प्रसारण हो रहा है। इसके बाद भी हमें कुछ लोग मिल गए जिन्होंने कभी मन की बात नहीं सुनी। सरकार से आग्रह है कि ऐसे लोगों के घर घर जाकर मन की बात सुनाने की व्यवस्था करें, एक रेडियो जरूर दे दें। बस ध्यान रहे कि उन घरों में सत्यपाल मलिक ना मिल जाएं या विनेश फोगाट ना मिल जाएं। नाम क्या है जी? मेरा नाम है संजय दास। अच्छा, IIM रोहतक ने ये कहा है कि कम से कम 100 करोड़ लोग प्रधानमंत्री की मन की बात एक बार सुन चुके हैं,
क्या आप उनमें से एक हैं? जी सर, मैं तो सुना नहीं हूँ सर। एक बार भी नहीं सुने? नहीं सर, मेरे पास बड़ा मोबाइल है ही नहीं, मैं कैसे सुनूंगा मैं। मेरे पास ऐसे कोई बड़ा मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटे मोबाइल है, इसलिए मैं सुना नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला नहीं बोला ये मैंने नहीं सुना हूँ। ये थैंक यू। मैं नाम धर्मेंद्र कुमार हूँ। अच्छा, ये IIM रोहतक की स्टडी है कि कम से कम 100 करोड़ लोगों ने एक बार प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी है, क्या आप उनमें से एक हैं? हम भी सुन सकते हैं उनके मन की बात। नहीं नहीं, आप सुन चुके हैं वैसे? अभी तो देखा, मैंने सुना तो नहीं अभी उनका, जो मन की बात जो अभी जो चल रही है ना जो, वो अभी नहीं, मैंने नहीं सुना अभी। आपने नहीं देखा? नहीं देखा मैंने। आप सुनते भी नहीं? नहीं नहीं, सुन सकते, क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, आपने सुना है कि नहीं सुना? अभी सुना नहीं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? राम बिहारी। राम बिहारी। राम बिहारी जी, क्या करते हो? यही करते हैं, बेलदारी का काम करते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताओ, जो मन की बात आती है टीवी पर, रेडियो पर, आकाशवाणी पर, सुनी है मन की बात आपने? हमने तो नहीं सुनी वैसा, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे पास टीवी है ना कुछ है, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं झोपड़ियों में। लाइट तक तो है नहीं हमारे पास, यहाँ रहते कहाँ? झोपड़ियों में। ये भी नहीं मालूम कौन करता है मन की बात, ये मालूम है कौन करता है? हमें नहीं मालूम, हमें तो वो चीज़ को पता नहीं, तो हम कैसे बता दें। अब हम आते हैं जंतर मंतर पर। प्रोफेसर धीरज शर्मा को हटाना अगर मुश्किल है तो सोचिए कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करना आसान कैसे हो जाएगा। प्रोफेसर धीरज शर्मा की नियुक्ति को लेकर अंग्रेजी समाचार पत्रों में कई रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अब तो धीरज शर्मा मन की बात का सर्वे ले आए हैं कि 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार इसका प्रसारण सुन लिया है, इसीलिए कहा कि जंतर मंतर पर जो महिलाएं बैठी हैं उनकी बात को सुनने वाला कौन है? ना तो गोदी मीडिया सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है, इसीलिए बताया कि दोनों ही घटनाओं में संबंध है। कैसे है बताता हूं। इतना आसान होता है कि पब्लिक को ये बताना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं होता है। और हमें गेम करना है आगे, लड़कियों ने कंप्लेंट दी है वो बहुत बड़ी बात है, हमें अगर सामने जाना होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है हमारे देश में कोई नहीं है। जिन 100 करोड़ लोगों ने एक बार मन की बात का प्रसारण सुना होगा, उन लोगों ने इसके बारे में तो सुन ही लिया होगा कि जंतर मंतर पर 3 दिनों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान इस तपती गर्मी में धरने पर क्यों बैठी हैं। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन प्रताड़ना का आरोप लगा रही हैं। सांसद ने खंडन किया है, मगर महिला खिलाड़ियों का कहना है कि वे अपने आरोपों पर कायम हैं, इंसाफ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है FIR करने को लेकर, कहा है कि याचिका में पहचान को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, इसके बाद केवल कुछ ही हिस्से को सार्वजनिक किया जा सकता है। आपने मन की बात में जिन्हें सुना है, ये महिला खिलाड़ी उन्हीं को खोज रही हैं कि वे आएं और इनकी बात सुने, इंसाफ दिलाएं, FIR करवाएं। वैसे आपको याद होगा कि जब गृह राज्य मंत्री के बेटे की जीप से किसानों को कुचला गया, उनके बेटे को जेल भेजा गया, तब भी प्रधानमंत्री ने गृह राज्य मंत्री को मंत्री परिषद से नहीं बाहर किया। तो सोचिए कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR कैसे इतनी आसानी से हो जाएगी। रिकॉर्ड भी तो आप देखेंगे। सबूत मांगने की बात कही जा रही है, लेकिन खेल मंत्रालय की ही रिपोर्ट में कहा गया है कि महासंघ में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए आंतरिक कमेटी नहीं थी। अब बताइए, जब शिकायत की गई तब ओवरसाइट कमेटी बनती है, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि ऐसी कमेटी होनी चाहिए, तब कमेटी ही नहीं थी, तो खिलाड़ी कहाँ शिकायत करती। रोहित ने साक्षी मलिक के साथ ही सत्यव्रत से बात की। सत्यव्रत को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। हमारी जो लड़ाई है जनवरी में स्टार्ट हुई थी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, हमारी महिला पहलवानों के सम्मान की लड़ाई है। उनके साथ जो हरेसमेंट हुए हैं उनके खिलाफ सरकार या पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये सबसे बड़े दुख की बात है। इस वक्त क्या सिचुएशन है? इस वक्त जी सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, और उन्होंने अभी तक FIR दर्ज नहीं करी है, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और माननीय श्री कपिल सिब्बल जी ने भी हमारा साथ दिया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने पिटीशन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, और उसकी सुनवाई 2 दिन बाद होगी। हम तो जी अंत तक जाएंगे, हमारा तो यही है कि भाई जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो है जो कुश्ती का जो फ्यूचर है, जो
वो ऐसे हाथों में जाए जहाँ पे हमारी जो महिला पहलवान है वो सेफ महसूस कर सके। जंतर मंतर पर समर्थन बढ़ने लगा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी वहां जाकर समर्थन देने की बात कही है। इंसाफ के सिपाही नाम के मंच की तरफ से कपिल सिब्बल ने इनके मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। गांव देहात के लोग भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जनवरी में जब धरना हुआ था तब इन खिलाड़ियों ने कहा था कि राजनीतिक दल उनसे दूर रहें, लेकिन इस बार खुद ही आगे आकर कह रही हैं कि वे हर किसी का स्वागत करना चाहती हैं। उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि राजनीतिक दलों की भूमिका भी बहुत जरूरी होती है। हम ये खिलाड़ियों का समर्थन करने आए हैं क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो पहले भी बैठे थे, इनको आश्वासन दिया था कि भाई न्याय होगा, लेकिन इन्हें न्याय मिला नहीं है, इसलिए दोबारा बैठे हैं। तो अब के ये आर पार की जंग जीते। सरकार इनके साथ ठीक नहीं कर रही है। हाँ, ठीक नहीं कर रही है। लेडीज के साथ यौन शोषण होना ठीक नहीं है ना। हमारी भी बहन बेटियां हैं, कल कौन आएगा खिलाड़ी बन के, कौन आएगा, घर से नहीं निकलेगा। तो देश का नाम रोशन कर रहे हैं ये, तो उनके साथ तो नहीं होना चाहिए। ये देश के अंदर कैसा इंसाफ हो रहा है जहां देश का नाम ऊंचा करने वाले, मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, और धरने पर बैठ रहे हैं तो ये बैरिकेडिंग लगाकर कैसे सरकार षड्यंत्र रच रही है। इन सबको पूरे देश को देखना पड़ेगा। अब पूरे हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश से खापे और लोग पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि यही पहलवान देश का नाम ऊंचा करते हैं। अगर इन्हीं, ये इतने नाम ऊंचा करने वाली बेटियां ही अगर देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, वो भी सरकार के सांसदों से, तो और आम जनता के बारे में और साधारण बेटियों के बारे में सोचिए, आप क्या हाल होगा। अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई राजनीति हो रही है, उसके तहत ये सब हो रहा है, तो सरकार के पास पर्याप्त समय था कि इतने हफ्तों में इस राजनीति का पर्दाफाश कर देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान मांग करते रह गए कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिपरिषद से बाहर किया जाए, इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अब बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कथित रूप से यौन उत्पीड़न के मामले में FIR की मांग हो रही है, और इसके बीच में एक सर्वे आ जा रहा है कि 100 करोड़ लोगों ने मन की बात का प्रसारण कम से कम एक बार सुन लिया है। इन 100 करोड़ लोगों ने एक ही बार क्यों सुना, दोबारा क्यों नहीं सुना, यह भी पूछ लिया जाता उस सर्वे में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।